मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनीय समाज सज्जनों एवं देवियों, अभी हम सब हमारे पूज्य गुरु भाइयों के बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए आप सबको मैं सद्गुरु कबीर साहेब के विचारों की ओर जोड़ता हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिससे आप सब भली भांति परिचित ही होंगे। सद्गुरु कबीर साहेब जी ने कहा है, सद्गुरु वचन सुनो हो संतों, ध्यान से सुनेंगे साखी सुनते ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो सद्गुरु कबीर साहेब जी ने कहा है, सद्गुरु वचन सुनो हो संतों, मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब तय समर समार। भारत की धरती अत्यंत पुराकाल से ऋषि प्रसूता रही है। इस भारत की पावन भूमि में बड़े बड़े ऋषि मनीषी संत और गुरुजन हुए हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जो हमारे पूर्वज संत हुए हैं उनकी हम संतान हैं। इन बातों पर आप गौर फरमाएं। उन पूर्वजों के, उन ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो त्याग तपस्या, जो आदर्श, जो बलिदान करके हमें जो दिखाए हैं, उनके आदर्शों को हम मिट्टी पलीद ना करें, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं इस आधुनिक युग में, इस भागम भाग की दौड़ में, आज के जनरेशन के लोग पाश्चात्य सभ्यता को अधिक लोग अपना रहे हैं। और ये पाश्चात्य सभ्यता के चलते हमारी भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बड़े बड़े ऋषि मनुष्य हुए, कपिल, कनाद, बुद्ध, महावीर, कबीर। ये भारत देश आज भी वर्तमान में अन्य देशों की अपेक्षा, चाहे टेक्नोलॉजी के मामला हो या कुछ भी हो, उनमें हमारा भारत देश कई देशों से, अमेरिका, चीन, जापान, इससे हम पीछे हैं। ये भारत, अमेरिका, जापान, ये विकसित देश हैं और हमारा भारत देश विकासशील देश है। अभी हम विकास की ओर, प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, फिर भी पूरी दुनिया इस भारत के सामने नतमस्तक होता है, सर झुकाते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि भारत को दुनिया के लोग धर्मगुरु देश के नाम से जानते हैं। और इस भारत को धर्मगुरु का दर्जा दिलाने वाले कौन थे? भगवान बुद्ध थे। बोलो भगवान बुद्ध की। ऐसे ऐसे संत और मनीषी इस भारत में जन्मे, हम उनकी संतान हैं, उनकी लाल हैं, और फिर भी हमारे कदम भाग जाएं, हम दिशा विहीन हो जाएं, तो फिर हमारा दुर्भाग्य जग जाएगा। और सद्गुरु कबीर साहेब, इन संतों और ऋषि मुनियों की लाइन में सद्गुरु कबीर साहेब की अद्वितीय विद्वता, उनका विलक्षण जीवन,
सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म क्षेत्र के महारथी थे, वो साधना के उत्तुंग शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष थे। इसीलिए उन्होंने कहा सदगुरु वचन सुनो हो संतो, ऐसे नहीं कहा, ये भारत की धरती, उन्होंने भी संतों के दर्शन किए, उनके सानिध्य में गए, उनसे सीखे समझे। वो सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, अपनी अनुभव की बात, अपने जीवन में जिन्होंने देखा सुना समझा वही बात, वही चीजें, वही सामान, वही वस्तु हम और आप सबको भी परोस रहे, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब जी जानते हैं कि मैं इन संतों के सानिध्य पाकर, इस संतों के चरण शरण में रहकर अपने जीवन का मैंने कल्याण किया, अपने जीवन में सुख और शांति को बटोरा, वैसे ही मेरे बच्चे मेरे अनुयायी भी इन धर्म और अध्यात्म की बातों को समझकर अपने जीवन को सफल बनाए। तभी उन्होंने कहा कि सदगुरु वचन सुनो हो संत, ऐ लोगों सदगुरु और संतों के वचनों को सुनो। अब सदगुरु कौन है, किसको हम सदगुरु कहें? साधु संतों के भेष में तो बहुत लोग घूम रहे हैं, साधु संतों का चोला और भेष तो बहुत लोग बनाए हैं, कितने गुंडे मवाली हत्यारे लोग भी हत्या करके इसी साधु और संतों के वेश में छिपते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये वेश ऐसा है, ये पवित्र जीवन जिसमें मैं ऐसे अपने वेश को बदलकर अपने अपराधों से बच सकता हूं। तो सदगुरु वो हैं जिनके जीवन से, जिनके दर्शन से, जिनके व्यवहारों से हमें आध्यात्मिक दृष्टि मिले, और ऐसे सदगुरुजनों के चरण शरण में जाने से जीवन का कल्याण होता है। किसी आज तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जीवन कल्याण की बातें होती हो, अन्य सारी चीजें बहुत सिखाते हैं। देखिए अभी जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, हमारी माताएं भी जाती हैं, हमारे भाई लोग भी जाते हैं। जब ब्यूटी पार्लर में आप जाते हो तो आपके शरीर सुंदर दिखता है, भले वो कुछ क्षण पल के लिए हो, लेकिन शरीर में चमक आ जाता है, आदमी का चेहरा खिल जाता है। एक ब्यूटी पार्लर में जाने से आपके शरीर में परिवर्तन होता है। ऐसे ही जब हम सदगुरु और संतों के सानिध्य में जाते हैं, नित प्रतिदिन जब सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो आपके विचारों में, मन में परिवर्तन आता है। और सत्संग हमें यही सिखाता है कि आपका जीवन सरल हो, सहज हो, कोई बनावटी ना हो। आज हम लोग बाहरी दिखावा में हमारी दुनिया चल रही है, भले खाने को घर में ना हो, आपकी जेब में पैसे ना हो, लेकिन शान और शौकत पर आग लगी हुई, दिखावाबाजी। तो सदगुरु और संतों के जब हम चरण शरण में जाते हैं तो जीवन में सद्बुद्धि आती है। ये सत्संग एक ऐसा स्थल है, ऐसी जगह है जहां पर जीवन निर्माण की बातें होती है, जीवन को गढ़ने और तराशने की बातें होती है। जैसे हम शीशा के सामने, दर्पण के सामने जब जाते हैं तो जैसे हमारे चेहरा होता है, जैसे बाल बिखरे हुए या संवारे हुए हैं, जैसा भी होता है वो शीशा, वो दर्पण हमें वैसा ही दिखाता है। वैसे ही जब आप सत्संग में आते हैं तो आपके अंदर कितनी कमी है और कितनी खूबी है, इन बातों को हम स्वयं आकलन करना सीखते हैं। तो सत्संग जब हम करते हैं, संतों के सानिध्य जब हम जाते हैं, तो जीवन में सद्बुद्धि आती है। जैसी आपकी सोच होती है, जैसे आपकी मन की भावनाएं होती है, जैसे आपके अंदर तरंग उठते हैं, जैसे विचारों के ज्वार भाटे आते हैं, वैसे आपका मन बनता है और वैसे आपकी जिंदगी बनती है।
आप दिन भर जो सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप होते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हर किसी के पास आज मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने मोबाइल में भजन सुन रहे हैं। क्या भजन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई का प्रसिद्ध भजन है। इस भजन को आप अपने मोबाइल के माध्यम से सुबह से सुनते सुनते, वही भजन सुनते 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 शाम हो गई, और खुदा ना खास्ता आपकी मोबाइल की बैटरी कहीं डिस्चार्ज हो गई, तब आप क्या गुनगुनाओगे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या गुनगुनाओगे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों गुनगुनाओगे? क्योंकि आपने उस भजन को कई बार सुने, बार बार रिपीट कर करके, बार बार रिपीट कर करके जो सुने हो वही गुनगुनाओगे। उसकी जगह में कोई फिल्मी गीत सुन रहे हैं तो वही गुनगुनाओगे। इसलिए आपका सोच, आपकी समझ बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अच्छा सोचें, दूसरे के लिए गलत ना सोचें, दूसरे के लिए आपकी मन में गलत भावनाएं ना उठे, इनका आप ख्याल रखें। हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं, सोच रहे हैं जैसे नदी की धारा में बह रहे हैं। जब बहुत दूर आदमी बह जाता है तेज धारा में, तब उसको ख्याल आता है कि अरे मैं बहुत दूर बह गया। फिर धारा इतनी तेज होती है कि आप वापस लौट कर आप आना मुश्किल होता है। इसलिए जिंदगी के बेशकीमती लम्हे को आप व्यर्थ मत जाने दें। अच्छा सोचें, अच्छा विचारें, तब आपका जीवन अच्छा बनेगा। आप सोच रहे हैं मैं जैसे तैसे रफ तप काम करूं और जीवन में अच्छा परिणाम आए, ये कभी नहीं हो सकता। आप जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अब वो डॉक्टर बनने की चाहत तो रख रहा है, उसके अंदर चाहना है, लेकिन वो संगत कर रहा है वकील का, वकील के पास बैठ रहा है, उसी के दांव पेच जान रहा है, क्या वो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है, लेकिन उसकी चाल, उसकी दिशा कुछ अलग है। ऐसे हम लोग हैं, जीवन में सुख मिले, शांति मिले, अंदर में अमन चैन का साम्राज्य हो, कैसे होगा? एक व्यक्ति था, ये छोटी सी कहानी या चुटकीला समझे, वो हनुमान जी का पुजारी था, बड़े भक्त का पुजारी था। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता था, शनिवार मंगलवार उसके जो वार का दिन है उस दिन वो उपवास भी रहता था। और एक शहर में लॉटरी का टिकट बिक रहा था, और वो बंदा जब भी हनुमान के पास जाता, पूजा आराधना करके, वंदना करके, हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहता था कि हनुमंत लाल जी, अरे मेरी लॉटरी लगा दो। बस सुबह शाम वही मांग हनुमान जी के पास। हम लोगों की भी आदत है, भगवान की दो अगरबत्ती जलाएंगे, कुछ लड्डू चढ़ा दिए 5-10 रुपए का, और लाखों और करोड़ों की लंबी लंबी चाहनाएं। कितने लोग हनुमान जी के पास लड़के बच्चे मांगते, अरे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, उसके पास फैक्ट्री थोड़े की लो भाई ले लो। तो वैसे ही वो पुजारी भी हनुमान जी से सुबह शाम रोज कहता था कि हनुमान जी मेरी लॉटरी लगा दो भगवान, ताकि मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता मिट जाए। ऐसे सुनते सुनते एक दिन हनुमान जी को गुस्सा आ गया। ये कहानी भाई, कहानी के हिसाब से सुनना। तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, उठा और अपना गदा उठाया और अपने भक्त को एक गदा लगाया,
जैसे ही एक गधा पड़ा उसका भक्त बेहोश हो गया, क्योंकि हनुमान जी का भारी भरकम गधा। थोड़ी देर बाद उस भक्त को होश आया तो देखता है कि गधा का प्रहार करने वाले मेरे ही प्रभु जी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान आपकी पूजा आराधना कर रहा हूं, दिन रात आपका ही नाम जप रहा हूं, और आप मेरे साथ ऐसे सलूक करें, ऐसे व्यवहार करें, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तब हनुमान जी ने कहा कि अरे मूर्ख, रोज रट रहे हो, 15 दिन हो गए तुमसे यही सुन रहा हूं कि हनुमान जी मेरी लाटरी लगा दो, मेरी लाटरी लगा दो। अरे मूर्ख, ये तो बताओ कि तुम लाटरी की टिकट खरीदे हो कि नहीं। तब वो बंदा कहता है कि भगवान, लाटरी का टिकट तो मैं खरीदा ही नहीं हूं। जब लाटरी के टिकट तुम नहीं खरीदे हो तो तुम्हारी लाटरी लगेगी कैसे। ऐसे हम लोग भी हैं, भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं कि जीवन में सुख आ जाए, शांति आ जाए, मेरे जीवन के दिन खुशनुमा हो, हंसी खुशी से जीवन बीते। ये आप कोरी चाहना से कुछ भी नहीं होगा। जो भी करना है आपको ही करना है। किसी भगवान के भरोसे, किसी संतों के भरोसे बैठकर आप अपनी जिंदगी के अनमोल क्षणों को मत खोइए। अपने जीवन का उद्धारक आप ही हैं। अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने जीवन को गढ़ना और तराशना आपको ही है। संतगुरुजन, सज्जन, बूढ़े बुजुर्ग आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखाएं। मैं यहीं बैठे बैठे पूछूं कि यहां से भोपाल जाना है तो किधर से जाऊं। आप लोग बताएंगे, महाराज जी इस सड़क को पकड़िए और सीधे जाइए, आप कहीं मुड़ना मत, सीधे भोपाल पहुंच जाएंगे। आपने मुझे बता दिया, अब मैं उस रास्ता से ना जाकर उसके विरुद्ध रास्ता की ओर चलना शुरू करूं तो जिंदगी भर चलता रहूं लेकिन भोपाल से मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कभी हो ही नहीं सकता। यही घटना हमारी जिंदगी में और हमारे जीवन में घट रहा है, और ये आज से ही नहीं घट रहा है। न जाने कितने बार मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य की जिंदगी मिली, मनुष्य की काया मिली, लेकिन हर बार ठगाए। एक बार ठगाए 52 वीर कहा है, और बार बार ठगाए गप्पू नाथ कहा है। और गप्पू नाथ कब तक बने रहोगे, अपने से पूछो कि कितने बार मैं गप्पू नाथ बनूंगा। और हम ये धोखाधड़ी और बेईमानी किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपने साथ कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हो, और कोई व्यक्ति से मैं कहूं, यहां पर जितने लोग पंडाल में बैठे, किसी एक से मैं कहूं, भाई साहब ये पत्थर रखा है और इस पत्थर को उठाइए और मेरे सर पर मारिए, और सर पर आप मारोगे उस पत्थर को मेरे सर पर, फिर मैं आपको 500 रुपया दूंगा। क्या ये समझदारी भरी बातें हैं? नहीं है। इसलिए बंधुओं, हम सोचते किसी को धोखा देते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी के साथ गलत सलूक करते हैं, मन में बड़े हम खुश होते हैं कि उसको ठग दिया, उसको बुद्धू बना दिया, अरे धोखाधड़ी करके उसे इतने रुपया ऐंठ लिया। मत सोचना कि किसी और को आप ठग दिए, किसी और को धोखा दे दिए, अरे उसके तो 500-1000 रुपया जाएगा लेकिन आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अभी जवानी में कहते हैं जवानों के पास जोश तो रहता है लेकिन होश नहीं रहता, और हमारे बूढ़े बुजुर्गों के पास होश रहता है लेकिन जोश नहीं रहता। ये कैसी प्रकृति की विडंबना है। जिंदगी जब तक जीते रहो, जब तक शरीर में ऊष्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, तब तक जीवन समझ में नहीं आता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। इसलिए जीवन के रहस्य को, जीवन के मर्म को
जीवन की हकीकत को आप समझने का प्रयास करें। जिंदगी के बहुत क्षण बीत चुके, इस पंडाल के नीचे जितने लोग हम बैठे हैं कई उम्र दराज के लोग बैठे, अभी भी हम अपने जिंदगी को समझ नहीं पाए, बस जी रहे हैं, सांसें चल रही है और जीवन का समय बीतता चला जा रहा है। ये जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, ये जीवन की सफलता नहीं है। इसलिए संत गुरुजन जो जीवन में अनुभव किए उन्हीं बातों को हमको बताते हैं, लेकिन संतों की बातें, ज्ञान ध्यान की बातें हम सुनते हुए समझते हुए भी अनसुना कर देते हैं। इधर जीवन को अच्छा भी बनाना चाहते हैं, दूसरे तरफ उनकी बातों को हम समझना नहीं चाहते, या तो समझ रहे हैं तो उस हिसाब से जीना नहीं चाहते। ये जीवन का दो तरफा पना, एक तरफ अच्छा जीवन चाहते हैं, दूसरी तरफ गलत काम करते हैं। कोई आदमी जहर पी ले और सोचे कि मेरा जीवन बना रहे, आप आग में हाथ रखते हैं और सोचते हैं हाथ जले ही ना, कैसी हमारी सोच है, नियम के प्रकृति के विरुद्ध काम जब जब हम करेंगे तो प्रकृति की ओर से आपको तमाचा पड़ेगा ही। आदमी माफ कर सकता है लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। हम लोग क्या है, अपने साथ ईमानदारी करना सके, अब तक अपने साथ ही हम बेईमानी करते आए हैं। आदमी देखो चलते रहता है, सुनसान देखा किसी का समान है, तब हम क्या करते हैं, अकेले रहते हैं तो अगल बगल ऐसे देखते हैं, हाँ कोई नहीं दिख रहा, बस सामान उठा लो, किसी की चीज चोरी कर लो। जिस समय आप किसी का सामान उठाए या किसी के घर में घुसकर चोरी किए, सचमुच में आपको कोई नहीं देखा है, लेकिन क्या आप अपने आप को नहीं देखे हैं? अपने आप का जानना ही काफी होता है। अभी यहां पर इतने लोग हम लोग बैठे हैं, मान लो एक उदाहरण है, भाई एग्जाम्पल है, कोई आदमी किसी की हत्या करके आया हो, यहीं पर कहीं पुलिस आ गई, तो जो व्यक्ति किसी की हत्या करके आया, ऐसे कोई गलत काम करके बैठा है, उस आदमी के माथे पे पसीना आ जाएगा, वो भयभीत हो जाएगा। पुलिस ये नहीं जानती है कि हत्या करने वाला व्यक्ति यहीं बैठा है, लेकिन जो व्यक्ति गलत काम किया है, गलत कर्म किया है, वो उसके गलत कर्म उसको डराता है। जैसे आज हम लोग सुबह 8:30 प्यार जी भैया के यहां पहुंचे और मैं कहीं उसके कमरे में जाकर उसकी जेब से 500 रुपया कहीं निकाल लिया, निकाला नहीं भी बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब उसके जेब से मैं 500 रुपया निकाल लिया, अब 18 तारीख को कार्यक्रम समाप्त हो और चला जाऊंगा अपने आश्रम कबीर आश्रम नवापारा राजिम रायपुर, और कहीं घूमते घामते कहीं प्यार जी हमारे छत्तीसगढ़ पहुंच जाए हमारे आश्रम, उस व्यक्ति को मैं जैसे ही देखूंगा तब क्या याद आएगी, इसी के जेब से मैं 500 रुपया चुराया था। कहीं आप यहां आपके गांव वाले पहुंच गए, उसको भी देखूंगा मैं तो मुझे वही याद आएगी कि इसी के गांव से मैं 500 रुपया चुराया था। उसको चुराए साल भर, 2 साल 10 साल 20 साल हो गए, लेकिन गलत कर्मों की जो छाप होती है, गलत कर्मों का जो संस्कार होता है वो बहुत भारी होता है, वो मिटता नहीं। जैसे आप लोग का फेस चेहरा मेरे तरफ है और आपको कोई व्यक्ति पीछे से आकर आपको कहीं ऐसे क्या कहते हैं, हम लोग गुदगुदाना कहते हैं, समझ गए, आपको कोई ऐसे गुदगुदाए तो आपको क्या आएगी,
हंसी आएगी। और खुदा ना खासा ऐसे किसी के जिंदगी में मत हो, लेकिन ये उदाहरण है। आप यहां से उठकर चलने लगे और आपके पैर में कहीं कांटा या कील चुभ गया तो आप क्या महसूस करेंगे? दर्द महसूस करेंगे। ऐसे ही आपके जो अच्छे कर्म होते हैं, आप जब अच्छा कर्म करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, दिन दुखियों को खिलाते पिलाते हो या कोई अच्छा काम करते हो, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपको गुदगुदाता है और उसी अच्छे कर्मों के वजह से आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और जब जब आप गलत काम करते हैं तो वो कांटों की तरह आपको छेदता है, कोई जाने या ना जाने आपके चेहरे का आवभाव बता देता है। किसी के घर हम गए, उस व्यक्ति को यदि हमारा आना पसंद नहीं है, वो भले मुंह से ना बोले, उसके चेहरे के आवभाव, उसके व्यवहार से आप समझ जाते हो कि उस व्यक्ति का हमारा आना पसंद नहीं है। तो साहब कहते हैं कि सद्गुरु वचन सुनो हो संतो। सभी को सद्गुरु कबीर साहब जी संत से संबोधित करते हैं। यही संतों की अहेतुकी कृपा, असीम अनुकंपा संतों की हम और आप ऊपर बरस रही है। संत गुरुजन हमारी गली में, गांव में, जहां तहां जा जाकर सत्य ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, हम सबको जगा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि जागो। एक होती है संतों की परंपरा और दूसरी होती है पहलवानों की परंपरा। दो परंपराएं हैं। जैसे एक पहलवान है, यदि वो अपने पहलवानी के 100 दांव पे जानता होगा तो उसके पास कोई सीखने जाएगा तो वो 100 में 100 नहीं बताता है, 2-3 दांव पेच बचा कर रखता है। क्यों रखता है? कहीं ये बंदा, ये बेटा मुझे ही ना पटक दे, मुझे ही ना पछाड़ दे, इसलिए वो 2-3 दांव पेच बचा कर रखते हैं। और दूसरी होती है संतों की परंपरा। और संत गुरुजन वो जितनी बातें जानते हैं अपनी साधना से, तपस्या से, संतों गुरुजनों से जहां तहां से सीखे रहते हैं, उन सारी बातों को हमारे सामने उड़ेल देते हैं। जहां छल हो, कपट हो, वो संत कैसे? जो निर्मल हो, गंगा जल की तरह जिसका मन निर्मल हो, वो व्यक्ति संत है। आप गंगा को देखे होंगे, जहां से गंगा निकली है, गंगोत्री को फोड़कर, बड़े बड़े चट्टानों को, पर्वतों से उतरकर जब मैदानी भागों में जब गंगा आती है, तो फिर जैसे ही ऋषिकेश हरिद्वार होते होते जितनी आगे बढ़ती है गंगा, उनकी पाट गंगा विशाल रूप धारण करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो अन्य सहायक नदियों को, नहर के, नाली के, गटर के, सभी पानी को अपने में समाहित करती चली जाती है। वो गंगा कभी नाक नहीं सिकोड़ती है, गटर का पानी आ रहा है कि चमड़ा फैक्ट्री कानपुर का पानी आ रहा है, सबको समाहित करते हुए चलती है। तो ऐसे ही संतों का जीवन होता है और हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है संतों की। आज संतों के संग साथ लगे हैं, उनके उपदेशों को सुने, किसी गुरु से आप उपदेश लिए, सबसे प्रथम हमारे पारखे संत गुरुजन कबीर पंथियों में, खासकर दीक्षा देने के पहले हमारे संत गुरुजन पूछते हैं, बेटा कहीं नशा तो नहीं करते हो? अब आप करते भी हो, नहीं कह रहे हो तो आप जाने। खान पान आपका पवित्र हो, आचार विचार पवित्र हो। अब ऐसे निर्मल संतों को पाकर भी हमारे कदम भाग जाए, हमारे पैर फिसल जाए, तो हमारा दुर्भाग्य ही है। और संतों का संग आप देखेंगे, भगवान राम जब सबरी की कुटी में पहुंचते हैं, सबरी माता बहुत खुश हो जाती है, भाव विवर, कब से आपको देखने के लिए भगवान मेरी अखियां तरस गई थी। माता सबरी भगवान राम को बेर खिलाती है, क्योंकि जंगल में रहती थी,
तो जंगल के कंदमूल फल से बेर यूतों को खिलाती है। उसके बाद भगवान राम से सबरी हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरे लिए आप कुछ बोलिए। जैसे हमारे घरों में संत आ जाते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि संत जी कुछ हमारे जीवन उद्धार की बात बताइए। तब भगवान राम सबरी को नौधा भक्ति बताते हैं। उसमें प्रथम भक्ति क्या बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये सबरी तुमको मैं प्रथम भक्ति बता रहा हूं कि संतों के संग साथ करो। भगवान राम के भी कितने गुरु थे, दो गुरु थे। भगवान राम सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे, संत गुरुजनों के प्रणाम करते थे। बिना गुरु आज्ञा के कभी भी भगवान कोई काम नहीं करता था। तभी भगवान राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, माता पिता की आज्ञाकारी, गुरु के आज्ञाकारी। आज हमारे भारत देश में भगवान राम को बच्चा बच्चा जानता है, वो भी हमारे और आप सरीखे हाड़ चाम टट्टी पेशाब के शरीर थे उनका भी। जितने महापुरुष हुए हैं वो हम और आप सरीखे ही रहे हैं, लेकिन उसके उच्च आदर्श, निर्मल व्यवहार, वही हमको उसके दर्शन के लिए हमारा मन ललायित होता है। आप किसी संतों से जुड़े होंगे तो वो संत देखने में बहुत हैंडसम हो या उसके पास बहुत गाड़ी मोटर बंगला हो, उनके आश्रम बहुत बड़ा हो, उनके बाहरी ऐश्वर्यों से आप नहीं जुड़े होंगे। कैसे जुड़े हैं, उनके निर्मल जीवन, उनके साक पाक जिंदगी, उच्चतम आदर्श। तभी तो हम सुनते हैं कि वहां संत गुरु पधारे हैं। घर के सारे काम काजों को छोड़कर हम दौड़े दौड़े भागे भागे जाते हैं। आज हम जितने भी हमारे भारत देश के संत हुए हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, जीसस हो, कोई हमारे शारीरिक रूप से उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई हमारे दादा बाबा काका मामा नहीं है, फिर भी हमारा मन उनके दर्शन के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए मन ललायित रहता है, मन श्रद्धा से भर जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहेब अपने जीवन में अनुभव किए, और सद्गुरु कबीर साहेब एक विरक्त संत थे, बाल ब्रह्मचारी, और बचपना से ही साधु संतों का संग सत्संग में लग गए थे। पूरी जिंदगी साधना, भजन, भक्ति और संतों के इर्द गिर्द ही बिताए। 119 साल 7 महीने 25 दिन उसकी जिंदगी रही है। इस लंबे जीवन में उन्होंने जो अनुभव किए, साधना की बातें, अनुभव की बातें, जो उन्होंने देखा, देश में, समाज में, विदेशों में भी घूमे, उन्हीं बातों को वो अपने बीजक में, उन वाणियों को उन्होंने पिरोया। तो ऐसे अनुभवी संतों के जीवन आदर्शों से हमें सीखना चाहिए। और संत गुरुजन तो अपनी बातें बताते हैं, और हम कितना समझते हैं, कितने उनकी वाणियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हर व्यक्ति के पास बहुत जानकारियां हैं, ऐसे नहीं कि जीवन कल्याण की बातें आप लोग नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं, सब जानते हैं। किसमें मेरा हित है, किसमें अहित है, हम सब जानते हैं। भले उसको अपने जीवन में हम नहीं अपना पा रहे हैं, ये अलग बात है। और उन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए, याद करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है अपनी साखी में, नित खरसान लोहा गुण छूटे और नित की गोश्त माया मुंह टूटे। कोई औजार आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपनी खेती किसानी में प्रयोग करते हैं,
उस औजार में धार बना रहता है, चमक रहती है। और जिन औजारों का आप प्रयोग नहीं करते, उन औजारों में मूर्छा लगा होगा, या उसमें चमक नहीं होगी, या धार नहीं होगा। और ऐसे ही नित की गोष्ठ माया मोह टूटे, नित प्रतिदिन जब हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तब मन की मूर्छा, मन की बेहोशी ये समाप्त होती है। एक ही जगह है, एक ही साधन है मन को निर्मल और सुंदर बनाने का। पहले प्रयोग करें, पहले इस्तेमाल करें, तब विश्वास करें। सुने हो नहीं विज्ञापन में, तो मैं भी यहां से विज्ञापन कर रहा हूं, जो बातें आप सुन रहे हैं उन बातों को जीवन में जीना सीखें। हम सब जानते हैं क्रोध करना गलत है, शांत रहना अच्छा है। तो आप शांत नहीं रह सकते हैं तो क्रोध करना बंद कर दें, ठीक है। आप शांत नहीं रह सकते, अशांत रहते हैं तो क्रोध करना बंद कर दें। ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन व्यभिचारी ना बने। अच्छा काम नहीं कर सकते, मत करिए, लेकिन बुरा काम करने से आप परहेज रखें। देखो जीवन कैसे अच्छा नहीं बने। हम लोग कहते हैं कि क्या करें जी, हमें उतनी शक्ति नहीं, हमें समझ नहीं है, हम सत्संग नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। अच्छे कामों के लिए आदमी बहुत बहाना बनाता। आप किसी को नहीं सुने होंगे, हम तो गरीब आदमी है जी, हम क्यों दूसरे को गाली दें, हम क्यों चोरी करें, हम क्यों हत्या करें, अरे हम तो कमजोर हैं, गलत काम क्यों करें। ऐसा नहीं होता है। और जिंदगी में सत्संग के लिए, भजन के लिए समय निकालें। अक्सर होता है कि अच्छे कामों के लिए हम बहुत बहाना करते हैं। अभी आप किसी से पूछना, भैया आप सत्संग में नहीं आए, अरे क्या बताएं भाई, खेती किसानी का काम इतना है, वो काम है, वहां जाना है, यहां जाना है, ये बहाना क्यों होता है। कभी कभी जरूरी काम भी होता है, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर हम बहाना क्यों बना देते हैं, क्योंकि सत्संग को, भजन को जरूरी नहीं समझते। इसके बजाय किसी के ससुराल से कहीं शादी का निमंत्रण आ जाए, कार्ड एक महीने पहले आपके घर में पहुंच गया है, चाहे माता बहने हो या आप लोग हो, रोज पलट पलट कर देखेंगे, हाँ इतना दिन और बाकी है, इतना दिन और बाकी है, क्योंकि उस काम को हम जरूरी समझते हैं। लेकिन जीवन निर्माण की बातें हैं, जिससे मन शांत हो, जीवन व्यवस्थित हो, हमारी इंद्रियां व्यवस्थित हो, उन बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए जहां भी सत्संग हो, चाहे वह किसी का भी हो, ये मत सोचना हम तो कबीर पंथी तो राधा स्वामी वाले में कैसे जाएं, गायत्री वाले में कैसे जाएं, उसमें कैसे जाएं, ऐसा मत सोचिए। जहां भी ज्ञान की बातें हो रही है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, वहां पर जाकर आप जरूर बैठे। पता नहीं कौन सी बातें आपके दिल और दिमाग में चोट करे और आपकी जिंदगी ही बदल जाए। इसलिए हर जगह जाएं, हर लोगों को सुने, क्योंकि सत्य किसी एक की बपौती नहीं होती है। तो आज से बहाना बनाना छोड़े, सही काम के लिए, अच्छा काम के लिए हम हमेशा आगे रहें। एक सेठ जी था, तो सेठ जी के कई फैक्ट्रियां थी। ध्यान से सुनना, एक कहानी बता रहा हूं मैं, कैसे आदमी अपने आप को बहुत बिजी और व्यस्त समझते हैं, उन लोगों के लिए खासकर। तो सेठ जी के कई फैक्ट्रियां थी, तो सेठ जी सुबह उठे, मुंह धोए और दौड़ता था इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियां थी। अरे वही तो सेठ है जिसके पास अतिरिक्त चीजें, अतिरिक्त सामान है। तो दौड़ा करे और सुबह से निकले निकले वो शाम को देर सवेरे घर आता था। शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। तो जैसे घर आए
तो उसकी पत्नी दिन भर की जो समस्याएं रहती थी उसको वो सेठ जी से उसकी धर्म पत्नी सेठानी बताती थी। सेठ जी सुनते हो जी, अरे घर में किराने का सामान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ला दीजिए। तो सेठ कहता था कि अरे भाग्यवान, इन सब चीजों के लिए, इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। फिर दूसरे दिन सुबह उठा, सारे फैक्ट्री घूम घुमाकर सेठ फिर घर आया तो उसकी धर्म पत्नी कहती, अरे सेठ जी, घर में हमारा इकलौता बेटा पप्पू बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को दिखा दो। तो सेठ जी फिर अपना पुराना वही स्टाइल कि मैं बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, तुम समझती नहीं हो, यहां तक मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। तब सेठानी कहती, अरे सेठ जी अभी मरना मत। तो सेठ कहते हैं क्यों? तो सेठानी कहती, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया है, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अपनों के लिए समय नहीं। इसीलिए बंधुओं, समय निकालो। समय को आप नहीं निकालोगे तो समय तो निकल ही रहा है, समय तो निकल ही रहा है, भाग रहा है। एक व्यक्ति के पास ऐसे ही सभा लगी थी तो एक व्यक्ति आया, उनके सर के बाल बहुत बड़े बड़े थे और बड़े बड़े बाल होने के कारण उसका चेहरा उसके बाल से ढका हुआ था। ऐसे विचित्र व्यक्ति को देखकर लोगों ने पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं समय हूं। और जैसे ही, और उसके पंख लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैं समय हूं, इतना बताया और पीछे लौट गया। लोगों ने पकड़ना चाहा तो उसके पीछे गंजा था सफाचट, और पकड़ में नहीं आया और फुर से उड़ गया। तो ये समय को आप सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं, किधर लगा रहे हैं, सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो समय को मतलब नहीं है, वो तो निकल ही रहा है। इसलिए सज्जनों, जीवन के बेशकीमती क्षण बहुत क्षण बीत चुके हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में कहूं, बीते ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। जिंदगी के जो क्षण पल घड़ी बीत गई सो बीत गई, लेकिन बची हुई जिंदगी को अभी भी हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी में सुगंधी ला सकते हैं। हर आदमी के पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि अपनी जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। आप अपने आप को दीनहीन मत समझिए, आप में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो जज्बा है कि आप अपने जीवन को पूरा पूरा बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, दुखी रहना मजबूरी नहीं है। वो तो हम ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिससे पूरा जीवन कंटका कीर्ण हो जाता है। विकारों का हम जखीरा बटोर लेते हैं और उन विकारों के तले, उन गलतियों के तले, उनके बोझ से हम दब जाते हैं। और ऐसे दबते दबते, गलती करते करते अनेक जिंदगी बीत गई। जैसे आप लोग आज यहां सत्संग में आए हैं, यहां से उठे और उठकर चलते चलते कोई उस खंभा से टकरा गए। चलिए आज टकरा गए, कोई बात नहीं, कल फिर आएंगे, फिर टकरा गए, दो बार टकरा गए, आप ध्यान से सुनिएगा। और अंतिम के दिन फिर उसी खंभा से आप टकरा गए। अरे एक बार टकराए समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर खंभा है, दूसरी बार भी टकरा गए, तीसरी बार भी टकरा गए, तो फिर कब तक टकराते रहोगे? ऐसे ही जिंदगी तो हमको कई बार मिली है। आज पहली बार आप मनुष्य का शरीर नहीं पाए हो, अनेकों बार मिली जिंदगी, लेकिन हर बार गफलत में, प्रपंच में, दुनिया के उलझनों में,
दुनिया के प्रपंचों में जिंदगी के क्षण बीत गए, जीवन को समझ ही नहीं पाए। इस आत्मा की निर्मलता को आपके अंदर बोलने वाला वो चेतन राम, आत्मा राम, रमैया राम, उसकी सत्ता और महत्ता और निर्मलता को हम समझ ही नहीं पाए। कितने लोग कहते हैं कि आत्मा आत्मा आप लोग बात करते हैं, आत्मा है कहां? ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। आप लोग आत्मा और परमात्मा की बात करते हो, आखिर आत्मा है कहां? अरे भाई साहब, बोल कौन रहा है, आत्मा को पूछ कौन रहा है? अरे वही आत्मा, वही भगवान तो पूछ रहा है। अब दिखता क्यों नहीं है भाई? वो देखने की दृष्टि तो आनी चाहिए। जैसे आपके कमरे पर आप मोबाइल रखे हैं, कमरा एकदम अंधकार है, आप जानते हैं कि मोबाइल यही है, आप गए तो अंधकार की वजह से वो दिखता नहीं। अब वो दिखेगा कैसे? दिया जलाइए, स्विच ऑन करिए, तो जहां की सामान जैसे जैसे रखे हो वो साफ दिखेगा। वैसे विकारों का, विषय वासनाओं का ये अंधकार छाया हुआ है, पर्दा छाया हुआ है। भाई ऐसे हम लोग बैठे हैं, यहीं पर एक ऐसे पर्दा लगा दीजिए, ना आप हमको देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे। तो यही है वासनाओं की, दुनिया की इच्छाओं और चाहनाओं की जो पर्दा है, उस पर्दा को आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आदेश, निर्देश और उपदेश करते हैं हम लोगों को, क्योंकि सदगुरु जानते हैं कि मेरे बच्चे इस संसार के माया मोह में आकंठ डूबे हुए हैं, आंखों में माड़ा छाया हुआ है। जैसे देखेंगे यहां पर कितने बुजुर्ग मोतियाबिंद के ऑपरेशन करा चुके होंगे। हमारे एक संत कह रहे थे कि एक एक चीजें दो दो तीन तीन दिख रहे हैं। मैं क्या आपको फायदा है खाने पीने की, एक रोटी तीन चार दिखेगी। और जैसे ही आप ऑपरेशन कराते हैं, आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगती है। वैसे ही अज्ञान की, अविद्या की जो मोतियाबीम है, उसके आप ऑपरेशन कराइए, संतों और गुरुजनों के पास जाइए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी निर्देश करते हैं, सदगुरु वचन सुनो, संतों के ज्ञान ध्यान की बातों सुनो, तभी जीवन में आप शांति से आपकी मुलाकात हो पाएगी। वरना जिंदगी बीत जाएगी, सुख और शांति आपके लिए गुलर का फूल और ईद का चांद ही रह जाएगा। इतनी जिंदगी तो जिए हैं, कितना सुख मिला, कितनी शांति मिली, कितना दुख मिला है, आप स्वयं समझते हैं उन बातों को। आदमी सुख और शांति के लिए शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? कि मुझे अमुक चीज मिलेगी तब मैं सुख से रहूंगा, अमुक वस्तु आ जाएगी तब मन में शांति रहेगी, कोई मेरा अपमान नहीं करेगा, निरादर नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा तब मैं सुख से रहूंगा। ये जो आपके शर्त है ना, ये कभी आपको जीवन में सुखी होने ही नहीं देगा। दूसरों से आप बहुत इच्छा क्यों करते हो? दूसरे आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, आप तो जानते हैं अपने आप को कि आप क्या हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको चोर कह दिया तो आप जानते हैं कि आप चोर हैं कि नहीं हैं। और यदि सचमुच में चोर हैं, चोरी किए हैं, तब भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है तब भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपके सुखी होने में, आपकी शांति में कोई दूसरा रीजन, दूसरा कारण ना हो। एक होता है प्राणी जनित सुख, बोलिए सद्गुरुदेव की। एक होता है प्राणी जनित सुख और दूसरा होता है पदार्थ जनित सुख। कोई पदार्थ, घर में रंगीन टीवी आ गई, घर में फॉर्च्यूनर कार आ गई, मन में खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है। और खुदा न खास्ता आप रात में सोए, गाड़ी कोई चुरा कर ले गया, घर में एसी लग गई, कूल कूल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसी बीच बिजली कहीं गोल हो गई, लाइन चली गई, तब
जितनी कुल कुल ठंडी ठंडी महसूस करते थे उससे दुगुना गर्मी लगने लगती है, फिर आपका सुख और आनंद गायब हो गया। ये पदार्थ जनित सुख है। और एक दूसरा होता है एक वस्तु जनित सुख, और एक किसी मनुष्य को आप प्रिय समझते हैं जिसको देखे बिना आपको चैन नहीं आता, वो व्यक्ति आपके कहीं विरुद्ध हो गया या कहीं उसको भगवान उठा लिए, तब भी आदमी दुखी और मायूस हो जाता है। ये दोनों सुख क्षणिक सुख है, आज है कल नहीं, ये छूटने वाली चीजें हैं, मायावी चीजें हैं। इससे आप प्रभावित ना हो, इन दोनों सुखों से भी हटकर सुख है जिसको अध्यात्म की भाषा में आत्मजनित सुख कहते हैं। अपनी आत्मा से जिसको प्यार हो जाता है, अपनी आत्मा से जिसको मोहब्बत हो जाती है, अपनी आत्मा से जिसको लव लग जाती है, जिसकी निष्ठा और लगन हो जाती है, फिर वह व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से कभी भी प्रभावित हो ही नहीं सकता। अरे कब तक आप सुखी दुखी होते रहेंगे, कब तक मान और अपमान में आप घुलते मिलते रहेंगे? ऊपर उठिए, जितनी जितनी आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी, आध्यात्मिक पावर जब आएगा, तब आप बलवान बनेंगे। फिर छोटी मोटी बातें आपको प्रभावित कर ही नहीं सकती। जैसे हम किसी वस्तु को नंगी आंखों से देखते हैं तो वो चीजें उतनी स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन जब हम पावर वाले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। वैसे ही आप दुनिया को मायावी दृष्टि से, संसारी दृष्टि से आप देखते हैं तो संसार की चीजें आकर्षण महसूस होती है। अब जब आध्यात्मिक दृष्टि आ जाती है संतों गुरुजनों की कृपा से, जो वस्तु जैसी है वैसे आप देखना जब सीख जाते हैं, तब फिर सुख दुख से आप हट जाते हैं। तो लव लागत लागत लागे और भव भागत भागत भागे। अध्यात्म में, धर्म में, भक्ति में धीरे धीरे मन लगता है और धीरे धीरे आदमी उससे जुड़ता है, क्योंकि मन कब चाहता है कि सत्संग में बैठूं? सही बताना, यही जितने लोग आए हैं बहुत मन को मना कर आए होंगे, चलो चलो, तब कहीं आप आए होंगे, नहीं दो चार कदम खेत के तरफ या कहीं उधर जाने को मन मचला भी होगा, बहुत मना कर लाना पड़ता है, क्योंकि मन दुनियादारी की चीजों को भोगने का, देखने का, सुनने का आदती है। ये मन भी एक बच्चों की तरह है, जैसे आपके घर के बच्चे कितने नटखट होते हैं, उसको बार बार समझाओगे बेटा इसको ऐसा मत करो, इसको मत छुओ, आज समझाए आधा घंटा, घंटा भर बाद बच्चा वही करता है, फिर वही करेगा, उसी तोड़ देगा, फोड़ देगा, किसी को मार देगा। आप फिर समझाते हो, प्यार से नहीं समझता तो डांट कर समझाते हो, कभी कभी प्यार की तमाचा भी लगाना पड़ता है, तब धीरे धीरे जाकर बच्चा समझता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वैसे आपका मन भी एक बच्चा है, बहुत नटखट बालक है, शैतानी करने में बहुत होशियार है, बहुत मनाना पड़ता है, राजी करना पड़ता है, कभी कभी अच्छी बातों को रिश्वत भी देना पड़ता है, तब कहीं जाकर मन राजी होता है। बार बार समझाइए, आप अपने आप से बात करना सीखें, आप अपने आप से प्रश्न उठाइए कि मेरे जीवन में इतनी मेरी जिंदगी बीत गई, सत्संग करते, भक्ति करते, संत गुरु के चरण शरण जाते, लेकिन आज भी जो मुझे उपलब्ध होना चाहिए, जो मुझे पाना चाहिए, वो मैं क्यों नहीं पा पा रहा हूं? बिना प्रश्न किए, बिना चिंतन किए, मनन किए, आप धर्म और अध्यात्म की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। देखो आप लोग बैठे, कितने घरों में गाय भैंस होगी, बैल भी रखे होंगे, आप लोग रखे कि नहीं रखे? आज निगरानी से देखना, जब गाय भैंस बैल को आप चारा देते हो और चारा खाने के बाद क्या करते हैं वो लोग,
पाघूर मारते हैं, जब वो पाघूर मारते हैं तब उसका खाना हजम होता है। वैसे ही जो संतों से सुनते हो, जो गुनते हो, पढ़ते हो, उसको आप लोग भी पाघूर मारा करें, उनको याद किया करें। आज सत्संग सुन ले, ऐसा नहीं कि हम काम हो गया, वो तो उठते ही सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि माया मोह इतनी प्रबल है, वो ठसम ठस भरा हुआ है। एक गिलास दूध हो, एक गिलास पानी हो, दूध नहीं पानी हो, उसमें आप दूध डालोगे तो दूध कहां जाएगा, नीचे गिरेगा। वैसे विकारों से हृदय भरा हुआ है, गलत गलत बातों से, गलत गलत संस्कारों से मन भरा हुआ, उसको आप उलझिए। देखो जी, कुआं हुआ रखे हैं, दो साल एक साल में उसके पानी को उलझ कर उसके दलदल को, उसकी गंदगी को साफ करते हैं, तब आपके कुआं फिर उसके स्रोत फूटता है और मस्त और शीतल जल आता है। वैसे ही मन, इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का हम लोगों के प्रति आदेश है कि सदगुरु वचन सुनो हो संतों, सदगुरु और संतों के वचन को सुनो, उनके सानिध्य जाओ, और जीवन में जो अनहोनी घटना, अमंगल घटनाएं होती है, उनका आप सुधार करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। ये जिंदगी अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए मिली है, सबके साथ सरलता और विनम्रता का व्यवहार करें। ये चार दिन की जिंदगी है, ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिंदगी है, इस जिंदगी को आप खुशनुमा बनाएं। मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति हो, आप सब अपनी जिंदगी को गगन मगन होकर जिए, पूरे प्रसन्नता पूर्वक जिए, ये आपका अधिकार है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब।